हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मम्मी बना रही है आलू गोभी की सब्ज़ी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और मेरी तो फेवरेट में से है। तो सोचा मैं क्यों ना आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मम्मी ने यहाँ पे ले लिया गोभी को, इस तरीके से काट के पहले फ्राई कर लिया। तो जब वो हल्का फ्राई हो जाए तो हम इसमें आलू भी डाल देंगे और आप चाहे तो इसमें डंठल भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। तो पहले तो मम्मा डंठल नहीं डालती थी, लेकिन मम्मी ने एक बार जब ट्राई करा तो डंठल डालने के बाद ना हमको बहुत ही अच्छा लगा, तो हम डंठल डाल देते हैं। और अब डालेंगे एक टमाटर, डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। टमाटर को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना था, ये हम जब सब्ज़ी बनाते रहेंगे मसाले डालते रहेंगे तो वो इवेंचुअली हमारा जो टमाटर है वो मैश हो जाएगा। इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। ये सारे मसाले मम्मी पता नहीं किस तरीके से मेजर करके डालती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पर सब्ज़ी बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं सब्ज़ी में भी धीरे धीरे करके आ रही हूँ सेक्शन में कि मैं आपके साथ खुद से बना के आपको बताऊँ कि किस तरीके से बनता है। लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ मम्मी से सीख लो कि मैं जैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सारे मसाले डाल लेने के बाद थोड़ा सा मसाले में हम मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से, और ढक देंगे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा जो आलू है वो सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे हम तड़के के लिए रेडी कर लेंगे। ले लेंगे का पैन, उसमें डालेंगे तेल, तेल जैसे गर्म हो जाए उसमें डाल लेंगे पाँच फोरन की। अगर आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम बंगाली 5 फोरन बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से बनाते भी हैं। तो 5 फोरन के बाद हमने डाल दिया 1 चम्मच हींग। अच्छे से जब ये सारी चीज़ें चटक जाए तो हम ढक्कन खोल के जो हमारा ये पैन कवर था हम इसे निकाल के तड़के को डाल देंगे। और आप देखो किस तरीके से, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है वीडियो से ही खुशबू आ गई है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करके बताना कि कैसा बना। और हम लास्ट में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। मम्मी को कटा हुआ हरा धनिया डालना बड़ा ही पसंद है, पापा को थोड़ा कम पसंद है। और यहाँ पे ना हम एक बार इसे मैश कर लेंगे हल्का हल्का थोड़ा बहुत। हम चाहे तो इसे चावल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चावल के साथ खाएंगे आज, क्योंकि ये और दाल बनी है साथ में और लास्ट में मम्मी ने डाल दिया फ्लेवर के लिए घी। सो फाइनली हमारी रेसिपी पूरी हो गई है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके बाय।